हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं विनय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एंड्रॉयड टेक ट्रिक्स चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त FPS गेम लेके आ चुका हूं। दोस्तों जैसा कि आप गेम प्ले मेरे एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोस्तों ये PSP का गेम है, इसके लिए आपको PSP एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों गेम का नाम है कोडेड आर्म कंटेजन। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इस गेम का एक पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको 300 MB का मिल जाता है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड का लिंक आपको हमेशा की तरह से मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, तो आपने वहां पे जाकर गेम को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों उससे पहले आप यहां पे गेम प्ले देख लीजिए ताकि आपको गेम के बारे में पूरा जानकारी मिल जाए। यार दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 3-4 दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। उसका एक कारण था दोस्तों, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, इस कारण से मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। दोस्तों आज मैं आपको गेम लेके आ चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त FPS गेम है, आप सभी को भी गेम खेलने में मज़ा आने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप गेम प्ले मेरे एंड्रॉयड फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का गेम प्ले आपको इस गेम में देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों ग्राफिक भी बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल चलाने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं इसके कंट्रोल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गेम प्ले आपको बता रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम प्ले, मैं आपको पूरा स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से आपने इस गेम को प्ले करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से इस गेम को प्ले करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाना है, वहां से गेम की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों गेम का साइज मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो आपने डाउनलोड करना है, 300 MB करीब उसका साइज होगा, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करके जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों आपने जेड आर्चीवर को ओपन कर लेना है, ओपन होने के बाद आपने उस फोल्डर पर जाना है जहाँ पर भी आपने गेम की फाइल को किया होगा डाउनलोड, तो आप उस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद आपको इस तरह की फाइल मिलेगी, इस पर लिखा होगा विनय कोडेड आर्म कंटेजन PPSP। दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपको 344 MB की फाइल मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको PPSP एमुलेटर की जरूरत भी पड़ने वाली है, दोस्तों उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। सबसे पहले आप करिए क्या, आपको PPSP की एमुलेटर वाली 7-zip फाइल मिलेगी, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। दोस्तों इसके अंदर से आपको PPSP एमुलेटर मिल जाएगा, तो आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट करने की, तो आप सिंपली कोडेड आर्म गेम की फाइल पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। इसके अंदर से आपको एक ISO मिलेगा, अब आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कीप द स्किन टर्न ऑन पे भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों अब आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक पूरी गेम की फाइल एक्सट्रैक्ट ना हो जाती। दोस्तों यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों हमारी गेम की फाइल यहाँ पे हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर से इस तरह का एक ISO फाइल निकलेगा जिसका साइज 521 MB होगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको अपनी हर वीडियो में प्रूफ इसलिए बताता हूँ ताकि दोस्तों आपको कोई भी फेक वीडियो ना लगे। दोस्तों मैं अपने फैमिली मेम्बर को कोई भी फेक वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको हमेशा की तरह से वीडियो में हर गेम का प्रूफ बताता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो मैं पहली वाली फाइल पर क्लिक करता हूँ और व्यू करता हूँ, इसके अंदर आपको सेम इसी तरह का ISO मिलेगा, तो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आप अपनी होम स्क्रीन पे जाइएगा। होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों अब आपने PPSP एमुलेटर को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो PPSP ब्लू वाला वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे मैं गोल्ड वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं गोल्ड वाले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों अब आपने उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे भी आपने गेम को एक्सट्रैक्ट किया होगा। सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है, अब आप उस फोल्डर को सर्च कीजिए। मैंने अपने वीने वाले फोल्डर के अंदर गेम की फाइल को किया है एक्सट्रैक्ट, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको गेम का आइकन मिल जाएगा, इस पर लिखा भी होगा कोडेड आर्म, तो आप इस गेम के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग चलेगा, उसके बाद आपका गेम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे गेम ओपन हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रेस टू स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना दीजिएगा। दोस्तों मैंने इसमें ऑलरेडी प्रोफाइल बना दी है, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल बना दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने लोड स्टेट पे जाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसे लोड स्टेट पे रखा था, तो इस तरह का गेम प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको बीच बीच में इस तरह की स्टोरी मिल जाती है,
स्टोरी के ग्राफिक भी बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से गेम शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी गेम प्ले बता दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।